उमर रियाज एविक्टेड हो चुके हैं बिग बॉस को, कितना फॉलो कर रही हैं? रेगुलरली फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मतलब बीच-बीच में टाइम मिलता है मैंने। उमर रियाज एविक्टेड हो चुके हैं और करण, उन्होंने झगड़ा किया था बिग बॉस ने उनको निकाल दिया, करण कुंद्रा ने भी किया था और उनको होता है झगड़ा ही तो होता है बिग बॉस में, और क्या समझ नहीं, तो मजा आता है लोगों को देखने। आप किसको पसंद करते हैं अभी जो अंदर है? सबको पसंद, तेजस्वी को। तेजस्वी और करण कुंद्रा की जो जोड़ी चल रही है लव ट्रायंगल, उसको कैसा देखते हैं? बिग बॉस के अंदर भी होना चाहिए, अभी बाद में आने के बाद भी ऐसा रहे? अब वो तो डिपेंड करता है, देखो सबका डिफरेंट होता है और ये बिग बॉस की वजह से नहीं होता है, वो पर्सनल लाइफ की वजह से होता है। सो अब ऑब्वियसली अगर उनको साथ रहना है बाहर आने के बाद भी, और इफ थिंग्स वर्क आउट देन देयर विल बी गुड। आपके कोई ब्लॉग आने वाले? हां हां, कल सुबह आएगा ना नेक्स्ट ब्लॉग, तो सुबह 11 बजे टीजर आएगा और कल थर्ड एपिसोड आएगा। इस बार का फिनाले कौन जीत सकता है? आप किसको ज़्यादा? मैं तो चाहती हूँ मैं जीतूँ। मैं 5 साल से मना ही करती आई हूँ, पर अब मन कर रहा है मैं भी चली जाऊँगी शायद, देखते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मतलब जो ओपनिंग हुई थी और लॉन्च हुआ था बिग बॉस का जो मैंने किया था, वो सबसे बेस्ट सीज़न था। अब आई मीन ही इज़ नो मोर सिद्धार्थ, बट आई वॉज द विनर ऑफ दैट सीज़न एंड आई थिंक दैट सीज़न वॉज द बेस्ट। इतने दिन से जितने बिग बॉस के सीज़न आ रहे हैं वो सीज़न बहुत है, सो आई थिंक मैं लकी हूँ बिग बॉस के लिए। 16 में जाने वाले क्या आप? मौका मिले बिग बॉस 16 में पहुँचेंगे आप? और सलमान सर की होस्टिंग कैसे अच्छी लगती, कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, हमेशा ही अच्छी लगती है, वही अच्छे लगते तो उसका सब कुछ अच्छा लगता है। चलो ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा फैंस के लिए कुछ मैसेज? हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मास्क पहने रहो, हमेशा सेफ रहो। मैंने मास्क अब भी उतारा है, अंदर कोई नहीं है, खाली है, इसीलिए उतारा था, वापस पहन रही हूँ, फोटो के लिए उतारा था बस। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक अगेन क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़ी पब्लिक गैदरिंग्स कम करें, क्योंकि ऑब्वियसली हॉलीडेज में हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी फेस्टिवल या ओकेशन होता है तो साथ में मिलते हैं, थोड़ा सा आई थिंक सोशल गैदरिंग्स कम रखें और जितना हो सके ख्याल रखो एंड बी सेफ। अच्छा कुमकुम भाग्य के बाद अभी किस नहीं पता, कुमकुम भाग्य बाय। मैम आपने पुष्पा मूवी देखी?